आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए यादव की जीत। जन्मदिन पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जितेन वर्मा, जीतू पटेल सहित 22 कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया व सपा कार्यालय पर केक काटकर अखिलेश यादव का जन्मदिन भव्य रूप से मनाया गया। सपा जिलाध्यक्ष जीतू वर्मा बोले, 22 कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर 2022 में सरकार बनाने का संदेश दिया है। सपा जिलाध्यक्ष ने बताया कि आज हम नौजवानों ने अस्पताल में रक्तदान करके कई ऐसे जरूरतमंद लोगों को रक्त दिया गया है जिन्हें रक्त की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी गरीबों, किसानों, नौजवानों के नेता हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो विकास कराए हैं, कार्य किए हैं, आज जनता उन कामों को याद कर रही है। आज किसान, नौजवान, रोजगार अखिलेश यादव की तरफ से आशा भरी निगाहों से देख रहा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी एक ऐसे इकलौते नेता हैं जिन्हें नेतृत्व में प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जा सकता है। हरदोई से चांद बाबू की रिपोर्ट। आज समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का 48वां जन्मदिन है और वो देश के किसानों के, गरीबों के, मजलूमों के, नौजवानों के नेता हैं। उन्होंने देश में हर समाज वर्ग के लिए विकास के कार्य किए हैं। उससे प्रभावित होकर आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनकी लंबी उम्र के लिए 21 लोगों ने जनपद में समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया है। जगह जगह भंडारे हुए हैं, केक काट के भी उनका जन्मदिन मनाया गया है। पूरे जनपद की सभी विधानसभाओं में उनका जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाया गया और ईश्वर से उनकी लंबी उम्र की कामना की गई है। वैसे तो रक्तदान महादान है, लेकिन आज हम लोगों ने अपने नेता के जन्मदिन पर जब रक्तदान किया है तो हमारे नेता जी को हम बधाई भी देना चाहते हैं, वो क्योंकि गरीबों के लिए काम करने वाले हैं, सेवा में सपा है उनका जो संदेश है, उनका जो नारा है, हम लोग उसको कामयाब करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी गरीबों, मजलूमों के साथ सदैव खड़ी रहती है, ये हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी से सीखा है, इसलिए हमने उनके जन्मदिन पर रक्तदान कर